इन सब बच्चों को एक तो टूरिज़्म के प्रति और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति अवेयरनेस के वजह से के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, और साथ ही साथ बच्चों में जो उनकी बौद्धिक सांस्कृतिक और जितनी प्रतिभाएं हैं उसको थोड़ा सा एक अवसर प्रदान करने के लिए कुछ हमने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें से विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण विभागों के छात्र छात्राएँ भाग ले रहे हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मूल उद्देश्य यही है कि उनको हम अपने जो हमारे इस रीवा या रीवा के आसपास के पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में उनको जानकारी दें और अपनी सांस्कृतिक चेतना थोड़ी उनके में जागृत हो, और उससे महत्वपूर्ण यह है कि वो विरासत के प्रति अपने थोड़े से जागरूक हों और उसके संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयत्न करें। आज 27 तारीख है, आज की तारीख को पूरी दुनिया विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाती है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में ये 5 दिवसीय प्रोग्राम इनक्रेडिबल फेस्टिवल के रूप में मनाया गया, मना रहे हैं हम लोग, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी को हम लोग किसी न किसी गेम या किसी न किसी उनके रुचिकर उनसे मतलब उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस टाइप के कोई ना कोई गेम खिलवा के और पार्टिसिपेट करवा रहे हैं और फेस्टिवल इंजॉय कर रहे हैं। सर, एक तो बेसिकली यहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस डेवलप हो स्टूडेंट्स में भी, और आपस में लोगों को पता चले कि टूरिज़्म के क्या क्या स्कोप्स हैं,
और उसकी वजह से हम लोगों को कितना कुछ करने मिल सकता है और इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी भी सुधरेगी और उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बेटर हो जाएंगी। इनफैक्ट जो कि MBA में उतना ज़्यादा सैचुरेशन हो गया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट आजकल नया डिपार्टमेंट है जिससे सभी, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं।